यूपी के मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद स्वास्थ्य कर्मी की 24 घंटे बाद मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 46 वर्षीय महिपाल जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर तैनात था। 16 जनवरी को कोविड टीकाकरण अभियान के तहत मृतक को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया था। रविवार शाम घर पर महिपाल की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजनों के अनुसार इलाज के लिए 108 को फोन करके जानकारी दी गई, लेकिन 108 आने से पहले ही तबीयत ज्यादा खराब होते देख आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिपाल सिंह को मृत घोषित कर दिया। मृतक स्वास्थ्य कर्मी के बेटे विशाल का कहना है कि उसके पिता को 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगा था, इसके बाद से ही उनके पिता की हालत काफी खराब हो गई। आज भैया क्या हुआ, सुबह जब ये ड्यूटी से आए थे इनकी तबीयत नासाज थी, मुझे किसी जरूरी काम से जाना था दूर। शाम को मेरे पर फ़ोन आता है यहाँ से घर से, जब पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी कि आप जल्दी आ जाइए, तबीयत ख़राब है। यहाँ से मेरे से पहले घर वालों ने 108 पर फ़ोन किया, तो वो पता नहीं क्या क्या चीज़ पूछ रहे थे, मतलब कि वो समय पर नहीं आ पाया। फिर एक बात आपकी विशाल जी, बीच में रोके, जी पिताजी का आपका वैक्सीनेशन हुआ था? जी हाँ। तो क्या बताया उन्होंने, कुछ डिस्टर्ब तो नहीं था? मेरे पास 12:30 करीब फ़ोन आया था पिताजी का कि बेटा कहाँ हो आप। मैंने कहा पिताजी मैं थोड़ा काम से हूँ, आप बताइए। कह रहे बेटा अपनी गाड़ी ना लेकर आप ऑटो पकड़ के जिला अस्पताल आ जाइए। मैंने कहा बात बताइए आप, क्या बात है? कह रहा बेटा मेरे को वैक्सीनेशन होगा आज कोरोना का, उससे गाड़ी नहीं चलेगी, आप आ जाओ। मैं यहाँ से तुरंत ऑटो लेकर सिविल लाइन पहुँचा। जी हाँ, दोपहर के समय वहाँ से करीबन 1:30 बजे पापा जी बाहर से आए, जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था, उनको और मैं अपने साथ में बैठा कर घर लाया हूँ। किस तरह हालत में देखा? हालत पापा जी की सांस फूल रही थी और वो खांस रहे थे। जी नहीं, उससे पहले कोई कोरोना इंजेक्शन लगवाने के बाद सांस फूली थी या पहले से बीमारी? जी नहीं नहीं, थोड़ा सा निमोनिया था, खांसी जुकाम जो था नॉर्मली, लेकिन वहाँ से आने के बाद में इनको ज़्यादा तकलीफ होने लगी। उसके बाद से इनको थोड़ा सा गर्म पानी दिया, फिर चाय बनवा के इनको बिस्तर में लिटाया गया कि आप थोड़ा आराम कीजिए। वहीं जिला अस्पताल के वार्ड बॉय महिपाल सिंह की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। उनकी मौत की सूचना पाने के बाद रात में ही मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी MC गर्ग भी मृतक वार्ड बॉय के घर पहुंचे। CMO मुरादाबाद ने कहा कि वैक्सीन का कोई रिएक्शन प्रतीत नहीं होता है, मृत्यु के कारण की जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम कराएंगे, ये पहले कोरोना संक्रमित नहीं थे। देखिए श्री महिपाल जी जो हमारे जिला चिकित्सालय में वार्ड बॉय के पद पर तैनात है, उनकी आज दोपहर लगभग 6 बजे सायं मृत्यु हो गई है। कौन सा टीका लगा था? जी आज उनकी दोपहर में सीने में दर्द और सांस फूलने की तकलीफ हुई थी, उसके बाद उन्हें जब तक जिला चिकित्सालय ले जाए गए तो उनकी वो मृत अवस्था में ले जाए गए थे। जिला चिकित्सालय में जब ले गए थे उनको लगा, बोल रहा हूँ मैं अभी आप उनके बेटे सवाल ये है, बात करेंगे सर, सवाल ये है कि 16 जनवरी से जी कल इनको कोरोना वैक्सीन दी गई थी। कितने बजे सर? ये दिन में करीब 12 बजे। आज क्या हुआ? आज इनको दिन में सीने में जकड़न और सांस फूलने की तकलीफ हुई थी। क्या नाम है सर इनका, किस पद पर तैनात थे? महिपाल सिंह वार्ड बॉय के पद पर तैनात थे। आयु कितनी? 46। हाँ, आयु लगभग 46 साल। अभी सर क्या जांच कर रहे हैं? क्या हाँ, मृत्यु के कारण की जांच कर रही जा रही है, जो अभी प्राइमरी जांच है वो यही है। पोस्टमार्टम कराएंगे या? हाँ, पोस्टमार्टम कराएंगे। फिलहाल महिपाल सिंह की कोरोना टीका लगवाने के बाद हुई मौत से परिजन काफी सदमे में हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद में 6 केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना टीकाकरण की शुरुआत वाले दिन यहाँ 100-100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। यहाँ वैक्सीन लगवाने आए कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोरोना संक्रमण काल में कोरोना से संक्रमित हुए थे। मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।